TNA that you know. सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ले डिस्ट्रिक्ट के उन सभी लोगों को जिन्होंने बीजेपी पे उम्मीद रखा और उन्होंने अपना बहुमूल्य जो वोट जो है बीजेपी के फेवर में देके बीजेपी को यहाँ पे बड़ी बहुमत देने के लिए आप सबको धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा हिल काउंसिल देखने को मिलेगा। अभी तो आज मेरा पहला दिन है और अभी मैं अभी चेयर पे बैठा हूं, तो अभी हमारे जो है मेरे डिप्टी चेयरमैन उनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, तो अभी आने वाले शायद आपको कल तक आपको जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर से उनका भी हमने अभी नॉमिनेट करना है उनको, जब सारा जो हमारा जब टीम बनने के बाद और हम एक अपने काउंसलर्स सभी काउंसलर्स के साथ एक बैठक करके हम आगे के रणनीति तय करेंगे। और कोशिश हमारा यही रहेगा कि इन 5 सालों में जिम्मेवारी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो है लद्दाख आप डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है, आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, तो इस यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे चैलेंजेस हमें आगे हमारे सामने है, क्योंकि जो है नए यूटी को हमने इस्टेब्लिश करना है और ये काउंसिल भी जो है पहला काउंसिल है यूटी बनने के बाद से। तो मैं अब और अब मैं हमारे टीम सभी के साथ मिल के हमें सभी काउंसलर्स के साथ मिल के आप सभी को ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले दिनों में हम एक नई जो लद्दाख के आप उम्मीद रख सकते हैं, और हमारे से जो भी जिम्मेवारी जो भी वो हमसे जो हो सकता है हम लद्दाख को आगे ले जाने के लिए लद्दाख के लोगों के लोगों को आगे ले जाने के लिए हम बखूबी से अपने जो जो जिम्मेवारी हमें सौंपा है वो हम निभाएंगे। सिक्स शेड्यूल पे आपका क्या ओपिनियन है और किस तरह से आप उसके ऊपर काम करेंगे? देखिए अभी मैं अभी नया ही हूँ इस चेयर पे, और लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे इस इशू से मैं अवेयर हूँ, क्योंकि जो रिसेंटली हाल ही जो है हमारे जो अपेक्स बॉडी को माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली बुला के ले गए उनको अभी रिसेंटली हाल ही में, तो उन एक वहाँ पे उनका एक चर्चा वहाँ पे एक अच्छा चर्चा हुआ है उनके बीच में, तो उस चर्चे के बाद जो है हमारे जो अपेक्स बॉडी के लोग जो है जब ले वापस आए थे तो मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था उनको रिसेप्शन के लिए, तो मुझे उन्होंने वहाँ पे जो संतुष्टि दिखाया वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि उस टाइम पे जो मैं तो आप उस टाइम पे चेयरमैन नहीं था काउंसलर, उस टाइम पे इलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो मैं ऐसा कटेसी कॉल उनको रिसीव करने के लिए गया था, तो उन्होंने एक सेटिस्फेक्शन दिखाया कि जो भी जो दिल्ली में जो बातचीत हुआ है वो एक बहुत अच्छा बातचीत हुआ है और लद्दाख के हित में बातचीत हुआ है। तो मुझे पूरा उम्मीद है अपेक्स बॉडी ने जो भी चर्चा दिल्ली में यूनियन जो हमारे जो माननीय अमित शाह के साथ किया है वो लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए किया होगा, और हमारे से एज अ काउंसिल जो भी हमारे से सहयोग चाहिए हमारे से जो भी हो सकता है मैं अपेक्स बॉडी का जो है सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और सभी लद्दाखवासियों को यही मैं आश्वासन देता हूँ। प्रायोरिटी सेक्टर क्या रहेगा? देखिए प्रायोरिटी सेक्टर जो है अभी मैंने आपको कहा है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करना है, मैं नया हूँ अभी मैं अपने टीम और अपने सभी काउंसलर्स के साथ मैं डिस्कशन करके जो है हम अपना गोल एक सेट करेंगे और 5 साल में जो है आपको अच्छा काउंसल देखने को मिलेगा, मैं इतना आपको आश्वासन देता हूँ। एक सिक्स शेड्यूल जो है लिंगरान करने वाला इशू नहीं है, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रिलेटेड लुकी हुई है, इस पे आप कोई सेंटर पे कोई डेडलाइन आप दे देंगे? देखिए ऐसा है सर, अभी मैंने आपको कहा है अभी नया है, अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो मुझे एक बार हमारे टीम के साथ बैठ के मैं इस पे चर्चा करूंगा, और जो भी जो अभी मैंने आपको जिक्र किया है अपेक्स बॉडी के साथ जो भी जो बातचीत हुआ मेरे ख्याल से आप सब भी उससे अवेयर हैं,
क्या हुआ था, क्या निर्णय हुआ है, क्या उन्होंने जो एक आपको आश्वासन दिया है, तो उन सभी पे हम अभी आने वाले दिनों में बैठ के हम चर्चा करेंगे। तो बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम आप लोगों को भी मैं अपडेट करूँगा। धन्यवाद।